हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई एम इरशाद सर, फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पहले तो मैं आपको बता दूं, दो चार दिन हमारे लेक्चर नहीं हो पाए बिकॉज कुछ हॉस्पिटल इश्यू की वजह से मैं थोड़ा बिजी था। बट डोंट वरी, आज से हम हमारे लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 क्लास 10 का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, ग्रेविटेशन। अब हम एक एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछले लेक्चर आपको देखकर आना है, तब आपको चैप्टर समझ में आने वाला है कि हमारा कहाँ चढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या दिया है देखो। अ पर्सन वेट 750 न्यूटन ऑन अर्थ। तो देखो अभी गिवन डेटा क्या है, एक पर्सन है, उसका जो वेट है अर्थ के ऊपर, वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ कितना दिया है, 750 न्यूटन। कितना दिया है, 750 न्यूटन। हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन मून। तो उस पर्सन का मून के ऊपर कितना वेट रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एक पर्सन है, उसका अर्थ के ऊपर वेट दिया है और मून के ऊपर निकालना है। अब आप बोलेंगे सर वेट अलग अलग आएगा क्या, तो बिल्कुल आएगा। मास और वेट का देख लो आप लेक्चर, डिफरेंस मैंने आपको बताया है। ग्रेविटी बदला मतलब वेट भी क्या हो जाता, बदल जाता। तो अभी कुछ गिवन डेटा दिया है, मास ऑफ मून, इसको कैसे लिखने का देखो, ऐसा लिखो, मास ऑफ मून इज 1/80 है। मास ऑफ मून कितना है, 1/81 दैट ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के मास को, मून का मास, मून का जो मास है अर्थ के मास को कितना दिया है, 1/81। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ मून, ये मास ऑफ अर्थ नीचे आ गया, इज इक्वल टू क्या आया, 81। सिमिलरली रेडियस ऑफ मून जो दी है उसको हम आर एम लिखेंगे, वो कितना फैक्टर दिया है, 1/3.7 That of the Earth। मतलब मून की रेडियस अर्थ के रेडियस को इतना टाइम्स दिया है, मून का मास अर्थ के मास को इतना टाइम्स दिया है। यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा बेसिक गिवन डेटा, एक पर्सन है, उसका अर्थ के ऊपर वेट दिया है, मून के ऊपर निकालना है, और इतना गिवन डेटा दिया है। कैसा करेंगे देखो, बहुत ही आसान है। वेट का फॉर्मूला क्या है, mg। अब यम जैसे का वैसा, जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल यम अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर। सो वेट का फॉर्मूला बन गया कैपिटल जी कैपिटल यम स्मॉल यम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वेयर। अभी आप बोलेंगे कहां से आया, तो मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप पिछले लेक्चर देख कर आओ, जब आपको समझ में आएगा। तो फिर अगर ये अर्थ के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे अर्थ आ जाएगा, यहाँ पे भी अर्थ आ जाएगा। मास के लिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ आएगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास सेम होता है एवरीवेयर, क्योंकि वेट और मास मैंने आपको डिफरेंस बताया है। अब मून के लिए अगर ये फॉर्मूला बनाएंगे तो वो जी कैपिटल एम को क्या आ जाएगा, मून, ये आएगा स्मॉल एम, और नीचे आएगा आर मून का स्क्वेयर। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ द मून चाहिए, इधर है। तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ द मून को वेट ऑफ द अर्थ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा जी यम 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 अपॉन आर यम का स्क्वेयर अपॉन जी यम ई यम अपॉन आर ई का स्क्वेयर। अभी ध्यान देना है, वेट ऑफ द मून पता नहीं, वेट ऑफ द अर्थ है 750। यहां पर देखो जी यम 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 अपॉन आर यम का स्क्वेयर, रेसिप्रोकल करना है, ये टर्म ऊपर चले जाएंगी और नीचे आएगा जी यमी यम, जी जी कैंसल, यम यम भी क्या हो गया, कैंसल। तो वेट ऑफ द मून अपॉन 750 क्या आया, यम यम, इसको हम नीचे लिखेंगे यम ई, ऊपर है आपका आर ई, नीचे है आपका आर यम, दोनों को स्क्वेयर है तो एक साथ स्क्वेयर देंगे। तो वेट ऑफ द मून ये 750 ऊपर आ गया। अब देखो यम यम अपॉन यम ई, यम यम अपॉन यम ई कितना है, 81, और आरई अपॉन आरियम, तो हमारे पास आरियम अपॉन आरई है, यहां से आरई अपॉन आरियम क्या आएगा, 3.7, इसको उल्टा करना है तो यहाँ पे 3.7 का क्या आ जाएगा, स्क्वेयर। अब बच्चों यहां से वेट ऑफ द मून जो आपका आएगा तो वो आएगा 126.8। तो आप बोलेंगे सर ये कैलकुलेशन डायरेक्टली आपने कैसे किया, तो मैं आपको बता दू, ये कैलकुलेशन 11-12 को आपको रहते हैं, टेंथ में आपको ये सवाल आने वाला नहीं है, बट इन केस अगर आया तो क्या करने का, इसका आंसर आपने लर्न करना है, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, जो बाकी था वो हमने ले लिया, ठीक है। उसका सॉल्यूशन है, एक बार आप इसको आराम से लिख लो। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, फ्री फॉल। हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं फ्री फॉल, बट अभी फ्री फॉल का जो लेक्चर है, मुझे लगता है हमें फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में शूट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी मेरे सराउंडिंग में बारिश शुरू हो चुकी है, तो लेक्चर नंबर 7 के लिए हम यही